हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे स्टॉक रोम को रूट कर सकते हो बिना पीसी के एंड बिना आपको यहाँ पे ना कस्टम रिकवरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि TWRP या फिर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी भी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें चाहिए जो कि आपको आई थिंक काफ़ी इजीली मिल जाएंगी, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसका जो है फ्लैशिंग मेथड बताता हूँ कि आप रूट कैसे कर सकते हो स्टॉक रोम को और कंडीशंस क्या चाहिए। सबसे पहले आपका जो फ़ोन का बूटलोडर है ना, वो अनलॉक्ड होना चाहिए, और अनलॉक्ड होना ही चाहिए, उसके बिना आप इसको रूट नहीं कर सकते। एंड दूसरे नंबर पे आपको चाहिए एक सेकेंडरी डिवाइस जिसके अंदर हम जैगर ऐप के थ्रू यहाँ पे कमांड्स के थ्रू इसको जो है रूट करने वाले हैं। एंड मेथड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना, और 20,000 सब्सक्राइबर करने हैं तो कम्प्लीटली आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप जो है यहाँ पे सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको चीज़ें क्या चाहिए। आपको चाहिए, मैं आपको पहले जो है इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। ये जो है Redmi Note 7 Pro है, इसके अंदर लेटेस्ट वाली आप चेक कर सकते हो, MIUI 12.5.1 जो है इंस्टॉल्ड है, 12.5.1 आप देख सकते हो। एंड ये इसका जो है लेटेस्ट या फिर लास्ट अपडेट है Redmi की ओर से, एंड इसको मैंने अभी रूट नहीं किया, आपको मैं एक बार से चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हो रूट यहाँ पे इंस्टॉल्ड आपको नहीं मिलता, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्मेशन अभी हो चुकी है। अब इसको रूट करेंगे बिना कस्टम रिकवरी इंस्टॉल किए एंड कुछ कमांड्स के जरिए, एंड जो रूट करेंगे हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे Mi 11X को। आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, जो यहाँ पे वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग, उसके बाद अबाउट फोन सेक्शन, यहाँ पे मिलता है 12.5.1। इसकी अगर आपके पास रिकवरी रोम है या फिर फास्ट बूट रोम है, अगर आप यहाँ पे किसी से ले भी लेते हो ना तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके पास बूट डॉट इमेज यहाँ पे है ना इस फ़ोन की या फिर इस जो है रोम की, या फिर आपके पास कोई भी रोम हो, इस मेथड के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे से जो है फ़ोन को रूट कर सकते हो। अब इसका जो आपको रोम मिलता है ना, यानी कि इस वर्जन का 12.5.1 का इस फ़ोन के अंदर जो इंस्टॉल्ड है, तो उसकी जो रिकवरी रोम है या फिर जो है फास्ट बूट रोम है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करते ही आपको यहाँ पे ना जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर एक बार से। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, एंड इसके अंदर आपको मिलता है boot.img। तो ये आप देख सकते हो ये एक्सट्रैक्टेड रोम है रिकवरी वाली, एंड इसके अंदर boot.img आपको जो है फाइल देखने को मिल जाएगी। इसको सिंपली आप सेव कर लेना। सेव किसके अंदर करना है, इस फोन के अंदर। ये फोन आपका रूटेड होगा तो भी चलेगा, ना नहीं है ना तो भी चल जाएगा, रूट की वैसे जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली। अब करना क्या है, इंटरनेट ऑन करना, जिस फोन से हमें यहाँ पे ना इस रोम को जो है इस फोन को रूट करने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे ना मैं ऑन कर लेता हूँ इंटरनेट को, और यहाँ पे मेरे पास मैजिस्क है, आपको मैजिस्क इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। वैसे रूट नहीं करना, सिंपली APK को इंस्टॉल कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना, ये तो रूटेड फोन आपको मिल जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोनों ही कंडीशन के अंदर। आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, जो ये वाली boot.img ना, इसको आप शिफ्ट करोगे इस फोन के अंदर, यानी कि इसको जो है शेयर कर लोगे इस फोन के अंदर, एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट एंड पैच फाइल। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करवाता हूँ, ये जो दो नीचे ऑप्शन है ना, ये मे भी आपको ना देखने को मिले, तो इसका ध्यान रखना है। आपको मैं बैक लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एंड ये जो आपको मैंने दिखाई है ना यहाँ पे फाइल boot.img वाली, इसके ऊपर क्लिक करना एंड लेस गो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसकी जो boot.img, इसको सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना, 5 से 7 सेकंड के अंदर आपका ये यहाँ पे पैच हो जाएगा, और जो आउटपुट आपको मिलेगी ना वो यहाँ पे मिलेगी डाउनलोड मैजिस्क के अंदर। और आपको मैं फोल्डर या फिर जो फाइल है ना वो एक बार से चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे चलते हैं डाउनलोड के अंदर, आपको जो है वो पाथ देखने को मिल जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। ये हमारा जो है पैच्ड फाइल हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, बूटलोडर अनलॉक हो चुका है, मैजिस्क पैच्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या जो कंडीशंस है वो क्या करनी है, सबसे पहले आपको आना है सेटिंग के अंदर, एंड डेवलपर ऑप्शंस आपको इनेबल करने हैं अपने फ़ोन के अंदर। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाके आपको USB डीबगिंग को ऑन कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ऑन हो चुका है, एंड अभी जो है दोनों फोन्स को कनेक्ट करेंगे। बट उससे पहले जिसको रूट करना है, इसको फास्ट बूट मोड के अंदर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और फास्ट बूट मोड के अंदर आपको जो है पावर प्लस वॉल्यूम डाउन से इसको जो है रिबूट करना होगा। तो ये फास्ट बूट मोड आ चुका है,
एंड इस केबल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद इस वाले साइड को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों फ़ोन कनेक्ट हो चुके हैं। बजैगर ऐप को इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, जिससे हम कमांड्स को परफॉर्म करने के बाद अब क्या करना है, आपको इस फ्लैश वाले सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला जो आपको फ्लैश देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आइकन वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करना एंड ये ऐड वगैरह आपको शो कर सकता है। तो मैं इंटरनेट को ऑफ करता हूँ एंड इसको कट करते हैं। अब यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी है फास्ट बूट, उसके बाद स्पेस, देन बूट, देन फिर से स्पेस, एंड यहाँ पे आपको जो है ये फाइल सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको डायरेक्टली डाउनलोड के अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमने पैच की है। ये आप देख सकते हो, ये वाली हमें फाइल देखने को मिलती है एंड इसको जो है एंटर अभी कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये वाली जो बूट इमेज है ना, जो पेस्ट हो चुकी है मैजिस के अंदर, वो यहाँ पे फ्लैश हो चुकी है। समटाइम्स आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रीबूट कर सकता है, बट समटाइम्स आपका ये रीबूट नहीं करेगा। तो इसके लिए करना क्या है, पावर बटन को प्रेस कर लेना। पावर बटन प्रेस करते ही आपका जो फ़ोन है ना रूट हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये फ़ोन रूट होता है या फिर नहीं। इसको एक बार जो है बूट करने देते हैं। सो हमारा जो सिस्टम है वो रीबूट हो चुका है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सो कुछ इस तरीके से मैंने इसको अनलॉक कर लिया एंड अभी आपको यहाँ पे एक फाइल देखने को मिल जाएगी या फिर एक एपीके इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि होगा मैजिस्क नेम से। आपको मैं दिखाऊंगा थोड़े टाइम बाद, यहाँ पे ये जो है अपीयर आपको होने लग जाएगा। सो इसका वेट कर लेते हैं एक बार। ओके, सो अभी फिर से ना ये इसको जो है फिर से हमें यहाँ पे फ्लैश करना होगा, ये यहाँ पे रूट नहीं हुआ। तो पावर ऑफ करते हैं और अगर समटाइम्स ऐसा प्रॉब्लम भी आ जाए ना, क्योंकि जो है चीज़ें ऐसी होती है कॉम्प्लिकेटेड, तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको फिर से हम यहाँ पे ना फ्लैश करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको फिर से मैं एक बार करता हूँ फास्ट बूट मोड के अंदर रीबूट एंड जो चीज़ें हैं ना वो आपको मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करता हूँ या फिर आपको सभी चीज़ें यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ। इसके अंदर फिर से मैं बूट वाली ये जो है एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको हम फिर से यहाँ पे ना फास्ट बूट एंड स्पेस, उसके बाद फिर से बूट और फिर स्पेस, देन फिर से वो वाली फाइल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसको फ्लैश कर देते हैं और एक बार मैंने वैसे फ्लैश कर दी है, बट एक बार मैं फिर से यहाँ पे फ्लैश कर देता हूँ ताकि मेरे को कंफर्मेशन हो जाए कि ये रूट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी एरर आ जाती है। ऐप इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड आपको नहीं मिलता, ये काम जो है पीसी से करना काफ़ी ईजी हो जाता है, बट इससे ना थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम्स कमांड्स परफॉर्म करने के लिए। तो इसको हम फिर से यहाँ पे ना रीबूट करते हैं और अभी आप देखोगे तो ये हमारा फ़ोन रीबूट हो चुका है और आई थिंक इस बार जो है ऑटोमेटिकली रीबूट हुआ है। तो यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ मैं एंड ओपन करते ही ना आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे फ़ोन बूट हुआ है एंड यहाँ पे रूट हुआ है या फिर नहीं। तो एक बार चेक करते हैं थोड़ा टाइम वेट करने के बाद। तो आप देख सकते हो जो मैजिस्क का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है एंड अब इसके ऊपर क्लिक करना है एंड ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसको अलाउ वगैरह कर देना है। यहाँ से अलाउ करने के बाद ये हम आपका जो फ़ोन है ना वो रूट हो जाएगा और कंफर्मेशन के लिए मैं आपको जो है रूट चेकर के अंदर भी यहाँ पे चेक करवा दूंगा। तो इसको ओके करते हैं एंड इसको बैक करते हैं एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करते ही आपका फ़ोन यहाँ पे सक्सेसफुली रूट हो जाएगा और बिना मैंने कस्टम रिकवरी के इसको रूट कर लिया है और जो प्रॉब्लम आई उसको भी मैंने आपको फिक्स बता दिया, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अभी जो मैजिस्क का वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अभी वेरीफाई रूट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अभी जो है सुपर यूज़र की परमिशन ये पूछेगा और इसको ग्रांट करना है। तो आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन रेडमी नोट 7 प्रो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप कोई भी Xiaomi फ़ोन हो तो ये जो चीज़ें हैं ना इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई वो फॉलो कर लेना, उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे ना Xiaomi फ़ोन के अंदर जो है रूट कर सकते हो। जस्ट आपके फ़ोन का बूटलोडर यहाँ पे अनलॉक होना चाहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि हम यहाँ पे जल्दी से 20K सब्सक्राइबर्स अचीव कर सकें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।